दिल्ली के मरकज में आए थे मजहब का पाठ सीखने, लेकिन निकले तो बदतमीजी का ककहरा सीखकर। दिमाग का फ्यूज उड़ गया, इंसानियत की सारी हदें लांग दी, अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहा। दिल्ली के मरकज में खांसते खांसते जब इनकी गूंज बाहर आई तो प्रशासन ने इन्हें क्वारंटाइन कर दिया। निजामुद्दीन से 35 किलोमीटर दूर नरेला के इसी क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराया, इस उम्मीद के साथ कि इनका इलाज कराया जाएगा और ये कोरोना वायरस से लड़कर जीत जाएंगे। लेकिन ये कोरोना से लड़ते लड़ते तबलीगी जमात के लोग बदतमीज हो गए। पता नहीं मरकज के बंद दीवारों के बीच इन्हें मजहब का कौन सा पाठ पढ़ाया गया कि इन्हें इस बात का भी पता नहीं कि शौच कहाँ करना है। कमरे के बाहर ही शौच कर दिया। पूछताछ करने पर सभी लोग आनाकानी करने लगे, बाद में बदतमीजी पर उतर आए। इस वक्त हम दिल्ली के नरेला इलाके में मौजूद है। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल ये क्वारंटाइन सेंटर है और यहीं पर एक मामला सामने आया है। दरअसल इसमें जो बी ब्लॉक है, लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें ये बताते हैं कि रूम नंबर 212 के सामने जो सेकंड फ्लोर पर है, वहां पर जो दो जमाती थे वो एक तरह से कहा जाए गंदी हरकत कर रहे थे, जिसके बाद जो इंचार्ज है क्वारंटाइन सेंटर के, उन्होंने बाकायदा इस बारे में लिखित कंप्लेंट दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दरअसल इन्होंने ये बताते हैं कि जो मल है वो उस रूम के बाहर जो है वो किया था, जिसके बाद जो जब इसकी शिकायत की गई बाकायदा जमातियों की, तो उसके बाद दो जमातियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। जमातियों की इस करतूत के बाद पुलिस ने मोहम्मद फाद और अदनाम जाहिर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। FIR में यह भी लिखा गया है कि कमरे में रहने वाले दो लोग स्वास्थ्य विभाग और सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। पहले वायरस का जाल फैलाया और अब गंदगी। जमातियों की इस करतूत से दिल्ली का हाल बेहाल है। कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कोरोना को हराने के लिए केजरीवाल ने 5T प्लान सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि 1,00,000 लोगों का रैपिड टेस्ट होगा। केजरीवाल सरकार अगर ट्रेसिंग में कामयाब हो जाती है तो कोरोना की जंग को जीतने का रास्ता आसान हो जाएगा। 1 अप्रैल के बाद से लगभग हम 500 डेली टेस्टिंग कर रहे हैं और अब 500 से भी ज़्यादा 1,000 के करीब डेली टेस्टिंग हमारी पहुंच रही है और इसको बातें आने वाले समय में बढ़ाते जाएंगे। हमने 1,00,000 टेस्टिंग किट्स के ऑर्डर दे दिए हैं। शुक्रवार को से 1,00,000 टेस्टिंग किट आ जाएंगी, तो उसके बाद हम बहुत बड़े लेवल पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तबलीगी जमात की वजह से दिल्ली में कोरोना का संकट बढ़ने पर RSS ने भी निशाना साधा। संघ के सह सर कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने कहा कि आंकड़े सच बोलते हैं। आज 2 नए मरीजों के जुड़ने के बाद दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 525 हो गई है, जबकि इनमें से 330 मरकज से ताल्लुक रखते हैं। पहले ये जो महामारी फैलने का जो डर है, संकट है, इसमें से बाहर आना चाहिए और बाद में समाज और सरकार दोनों साथ मिलकर इसमें से, ये सारी जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं होती है, तो समाज और सरकार दोनों साथ मिलकर इसमें से कैसे बाहर आएंगे। ये परिस्थिति अनप्रेसिडेंटेड है, इसलिए हमको नए सिरे से सोचकर इसमें से बाहर आने की योजना बनानी पड़ेगी। जमातियों की हरकत से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी चिंतित है। उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मेडिकल नियमों का पालन करने की अपील की है। Epidemic, WHO has issued guidance on that. Many of these gatherings are now postponed or cancelled. We've been working very, very closely with religious and faith-based organisations all over the world, including groups from the Islamic tradition, Christian traditions and others, and continue to work through faith-based organisations to communicate using our EpiWin platform. We're also continuing to develop guidance specifically for the holy month of Ramadan. दिल्ली को अब जमात ने जिस मुहाने पर ला खड़ा किया है, उससे निकलने का एक ही रास्ता है, उन तमाम लोगों की पहचान करना जिनके संपर्क में जमात के लोग आए और उनकी पूरी जांच हो और उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए। लेकिन तबलीगी जमात के लोगों की जो हरकत है, उससे ये काम आसान नहीं। जिस तरह से घटनाएं सामने, जाहिर तौर पर ये अपने आप में कई एक तरह से कहा जाए काफी चिंताजनक है। और जिस तरह से दिल्ली में अगर बात की जाए, 500 से ज्यादा केसेस सामने आए, जिनमें से 300 ज्यादा केसेस जमाती की वजह से बड़े हैं, तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं और ऐसे में अब जो है सरकार को चाहिए कि एक तरह से कहा जाए सख्त कदम उठाया जाए, ताकि इस तरह की अब घटनाएं आगे ना हो।
जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो आगे ना बढ़े और ये कंट्रोल हो जाए। कैमरा विपिन और राजेश खत्री के